नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति से यानी कि इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से, और सबसे पहले हम सिंधु घाटी का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। तो जो भारत का इतिहास है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है, और हड़प्पा की जो सभ्यता है यह 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, ये दुनिया की चार सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ये सबसे अधिक उन्नत थी। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ये आप याद रखना। और 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? जनरल जॉन मार्शल। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जनरल जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर थे, और उन्होंने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करेंगे 20 प्रश्नों की एक क्विज से। और ये जो क्विज है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अगर आपको उत्तर आता है तो आप खुद को एक नंबर दीजिएगा, नहीं आता है तो जीरो दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ये किस वेद का है? किस वेद का ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो किस युग से है? प्रागैतिहासिक या फिर आद्यतिहासिक या फिर ऐतिहासिक या फिर उत्तर ऐतिहासिक। तीसरा प्रश्न है, किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? चौथा, सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? उत्तर अगर आपको आ रहा है तो खुद को एक नंबर देते हुए आगे बढ़े, नहीं आ रहा तो जीरो दीजिएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर बसे थे? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? वैदिक सभ्यता शहरी थी या ग्रामीण? और यह भी बताइए कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? और यह भी बताइए कि सिंधु सभ्यता की लिपि ये किस भाषा में प्राप्त हुई है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है, ये आपको बताना है। सबसे प्राचीन सभ्यता, और आपको बता दूं कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। अब आप बताइए कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कांसे की एक जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। और सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि जो बंदरगाह था वो कौन सा था? भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा प्राप्त हुआ था खोजने में, खुदाई में? और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन स्नानागार के बाद। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? लोहा नहीं थी, आपको बता देता हूं। अब आप बताइए कि पहली धातु कौन सी थी? कालीबंगा ये काफी चर्चित है, ये वर्तमान में कहां पर स्थित है? और बिना गढ़ यानी कि बिना किले वाला शहर सिंधु सभ्यता में कौन सा खोजा गया था? और मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्या है, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो कहां पर आपको स्थित मिलेगा? और हड़प्पा सभ्यता किसके उत्पादन में अग्रणी सभ्यता थी? तो ये हो गए 20 प्रश्न। अब आइए शुरू करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ऋग्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ। और आपको ये भी बताना चाहिए कि जो ऋग्वेद है इसके तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ये कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया आपका ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय हो गया। दूसरा क्या है? कौशितकी, ठीक है, दूसरा है कौशितकी, और तीसरा है संख्यायन। तो ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि ऋग्वेद के हैं। और सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक युग से है, यानी कि एक ऐसा युग
जिसके इतिहास का लिखित प्रमाण तो मिला है, लिपि तो प्राप्त हुई है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? तो ये है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, ये 18 है। उसमें मात्र 5 पुराण ही ऐसे हैं जिसमें राजाओं की जो वंशावली है वो मिलती है, और उसमें भी सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? तो जो वैदिक आर्य थे वो दूध और दूध के जो उत्पाद होते थे, बाई प्रोडक्ट होते थे, जैसे कि दही हो गया, मट्ठा हो गया, इसका प्रयोग वो करते थे। और आर्य जो थे वो सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर बसे थे? तो ये वर्तमान में स्थान पंजाब में माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो स्थान है उस समय सप्त सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है मैक्स मूलर के हिसाब से वो मध्य एशिया था। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आर्यों का मूल स्थान, मूल निवास स्थान कौन सा था, तो मैक्स मूलर ने लिखा है कि मध्य एशिया। हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्य जो थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे अपनी बोलचाल के लिए। और वैदिक सभ्यता शहरी थी या ग्रामीण? देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखना इसको। और यहां पर जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरी सभ्यता थी, तो ये जरूर याद रखना आप, ये डिफरेंस है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस भाषा में है? तो ये अभी तक अज्ञात है, यानी कि अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम क्या है? तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये जरूर याद रखना आप, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये आप याद रखना कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान से खुदाई में प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो ये लोथल है, और वर्तमान में ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो ये हड़प्पा की खुदाई हुई थी सबसे पहले, तो हड़प्पा है। और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन ये अन्नागार माना जाता है, ठीक है, अन्नागार। और मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो ये तांबा थी, ठीक है, लोहा नहीं थी बल्कि तांबा थी। कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहां पर? ये जो है घग्गर नदी है, घग्गर, तो घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है ये 1953 में खोजा गया था, कालीबंगा 1953 में, और इसको खोजा था ए घोष ने। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कालीबंगा के बारे में कि यहाँ पर जूते हुए खेतों के अवशेष मिलते हैं, जूते खेत जो थे उसके अवशेष यहीं पर मिलते हैं। बिनागढ़ वाला शहर, बिनागढ़ यानी कि बिना किले वाला जो शहर था वो चन्हुदड़ो माना जाता है, ठीक है, चन्हुदड़ो, ये बिना किले वाला शहर प्राप्त हुआ है चन्हुदड़ो, ये जरूर याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, 1922 में इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है यहीं से, पशुपति महादेव की मुहर भी प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े, ये इतनी चीजें हैं जो कि प्राप्त हुई हैं हमें मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता किसके उत्पादन में अग्रणी सभ्यता थी? यानी कि आपको बता दें यहाँ पर जो कृषि कार्य होता था तो उसमें कपास की खेती भरपूर मात्रा में होती थी, सबसे अधिक कपास के उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता जानी जाती थी। तो ये हो गए 20 प्रश्न, तो अगर इसमें से आप 12 भी सही कर पाए तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, 12 से 15। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी क्या होता है आप जानते हैं? प्रस्थान त्रयी, देखो वेदांत दर्शन के 3 आधार है, एक तो उपनिषद है, दूसरा ब्रह्मसूत्र, और तीसरा क्या है? भगवत गीता। तो इन्हें वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, इसमें जो है भागवत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इसमें भागवत नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो उपनिषद है उसमें इसको जो है उपनिषद जो है इसको श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, श्रुति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान। और इसके बाद आता है भगवद गीता, तो भगवद गीता को क्या कहा गया है? स्मृति प्रस्थान, स्मृति
प्रस्थान, और इसके बाद क्या है ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र को क्या कहा गया है न्याय प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। सही जवाब है ऑप्शन बी, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत, इसको रटे रहना। और मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था, तो देखो जो सबसे पहला अनाज था वो चावल माना जाता है। कोलडीहवा, कोलडीहवा की जब खुदाई हुई थी तो वहां से इस बात के साक्ष्य मिले थे कि वहां पर लगभग 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में ही वहां पर चावल की खेती होती थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और ताम्रास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो देखो जो मृतक होते थे उनको जो है उत्तर दक्षिण, एक कलश लिया जाता था उस कलश में रखकर उत्तर दक्षिण करके उन्हें दफनाया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और यह भी है कि ये फर्श नीचे जब उन्हें उन्हें दफनाते थे तो कुछ उनकी जरूरत की चीजों को भी उसमें रख देते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो देखो ये जो वेद है वो ऑप्शन बी है सामवेद। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्या कहा है उन्होंने कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, यानी कि वेदों में मैं सामवेद हूं। और सामवेद में जो कुल ऋचाएं हैं, ऋचाओं का मतलब मंत्र से लगभग मान लीजिए आप, तो कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, ये है 1549, कितनी है 1549, और इसमें मात्र 78 ही नई है, बाकी सब जो है ये ऋग्वेद से ली गई हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, भारतीय संगीत का शास्त्र माना जाता है सामवेद को। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, वेदा नाम सामवेदो अस्मि। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आभिरों ने। सही जवाब है भागवतों ने। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पिता का नाम वासुदेव था, तो इसीलिए उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। अगर बंसौली देखेंगे तो जो भगवान के श्री कृष्ण थे माना जाता है कि वो वृषभवंश के थे, वृषभवंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है, तो नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ होना चाहिए, वैदिक नदी कुंभा, देखो जो ये जो कुंभा है इसको वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है, और यह माना जा रहा है कि यह स्थान अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी, नदी तमा भी कहा गया है। गंगा का उल्लेख केवल एक बार मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु नदी। और ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है, तो ये देखो अरिकामेड, वर्तमान में ये पांडिचेरी, पांडिचेरी माना जाएगा। तो अरिकामेडो की खुदाई से ये जो साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। खुदाई में रत्न, मनके, बर्तन और रोमन द्वीप के टुकड़े मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रोमन सम्राट अगस्टस है, अगस्टस, उसकी तस्वीर मिलती है, मूर्तियां मिलती हैं, जो इस बात को पुष्ट करती हैं कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। तो बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में कितने आपके कितने सही हुए, आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 30। अब एक सवाल का जवाब आप बताइए कि भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया था, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने, तो जवाब दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।